तो स्टूडेंट कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जो कि आपको हर सैम्पल पेपर में या फिर हमेशा पेपर में ज़रूर दिखेगा, दैट इज़ द न्यूरॉन। ठीक है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो आपके पूरा का पूरा बना हुआ है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ योर नर्व्स एंड न्यूरॉन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कई बार तो क्वेश्चन आता है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, ये 2 या 3 नंबर में पूछे लेता है। ड्रॉ द लेबल डायग्राम, उनके जो पार्ट्स हैं उनको अच्छे तरीके से लेबल करना, या हमसे पूछा जाता है कि राइट द पार्ट्स ऑफ द न्यूरॉन। ठीक है, या फिर राइट द पार्ट्स एंड देयर फंक्शंस ऑफ द न्यूरॉन, यानी न्यूरॉन का क्वेश्चन हर तरीके से आता है। इसका डायग्राम भी इम्पॉर्टेंट है, इसके सारे पार्ट्स भी इम्पॉर्टेंट हैं और इसके फंक्शंस भी इम्पॉर्टेंट हैं पर्टिकुलर पार्ट्स के। देखो, न्यूरॉन को मैं जनरल एक्सप्लेन करूँ तो क्या बोल सकते हैं कि जो न्यूरॉन है इट इज़ द लार्जेस्ट सेल ऑफ योर बॉडी। ठीक है, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बनाता है, या नर्व्स भी आपके न्यूरॉन से ही बने हैं। नर्व का दूसरा नाम है नर्व सेल। स्ट्रक्चर से पूछा जाता है, इसकी स्ट्रक्चर होती है ब्रांच। ठीक है, अब इसके पार्ट्स जो हैं आपको डायग्राम में बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन हमने कौन कौन से फोकस करने हैं वो मैं आपको बताता हुआ चलूंगा और उसका फंक्शन भी बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट ऑफ द न्यूरॉन, दैट इज द डेंड्राइट। देखो, डेंड्राइट क्या है? डेंड्राइट एक तरीके से न्यूरॉन की ब्रांचेज हैं। ठीक है, और वो ब्रांचेज, ये जो ब्रांचेज हैं, ये कनेक्टेड हैं सेंसरी ऑर्गन से। सेंसरी ऑर्गन से क्यों? क्योंकि ये इंफॉर्मेशन जो स्टिमुलस होते हैं उसको ग्रैब करती हैं। ठीक है, तो डेंड्राइट का फंक्शन क्या हो गया? एक तरीके से टू गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंसरी ऑर्गन एंड पासेस टू द सेल बॉडी। क्योंकि इसके बाद जो पूरी सेल बॉडी है वहां ये फंक्शन को क्या करेगा, जब मैसेज है उसको ये ट्रांसफर करेगा। ठीक है, तो ये इसका फंक्शन है, ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन। ठीक है, इसके बाद आ जाता है हमारे पास सेल बॉडी। देखो, सेल बॉडी क्या है? सेल बॉडी कंसिस्टिंग है, यहां पे आपको मिलेगा साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म आपको पता है कि इट इज अ जेली लाइक मटीरियल जो कि उस मैसेज को पाथ प्रोवाइड करता है आपके एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जाने में, या फिर ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक जाने में। यहां से इंफॉर्मेशन ली और वो सेल बॉडी में ट्रांसफर हो जाती है। सेल बॉडी में सबसे पहले क्या मिलेगा आपको? साइटोप्लाज्म, और यहां मिलेगा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस तो आपको पता है कि किसी भी सेल का ब्रेन होता है जो कि सारे फंक्शन को कंट्रोल करेगा। अब जो ये इंफॉर्मेशन है वो यहां से होते हुए नर्व एंडिंग तक चली जाती है, लेकिन ये जाती है एक्सोन के थ्रू। यहां पे कौन कौन सी लेबलिंग इंपॉर्टेंट है? एक्सोन एंड माइलिन शीथ। ठीक है, माइलिन शीथ क्या है? एक तरीके से कवरिंग है। ठीक है, जो ये पैकेज ऑफ इंफॉर्मेशन है ना, ये जंप करते हुए जाती है। ठीक है, डायरेक्ट नहीं जाती। और एक्सोन क्या है? वो पाइप है जिसके थ्रू से जाती है ये। ठीक है, और यहां पे आपको क्या मिलेंगे? श्वान सेल्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ये आपके सेल बॉडी के पार्ट है। और यहां से इंफॉर्मेशन जाएगी आगे की तरफ एक्सोन से होते हुए, उसके ऊपर है आपके माइलिन शीथ एंड श्वान सेल्स। ठीक है, और दो श्वान सेल्स के बीच में आपको मिलेगा नोड ऑफ रेनेवर। ठीक है, दो श्वान सेल्स के बीच में मिलेगा आपको नोड। ठीक है, यहां पे आपको मिलता है नर्व एंडिंग, और नर्व एंडिंग में आपको लास्ट में क्या मिलेगा? एक्सोन टर्मिनल। ठीक है, एक्सोन का एंड, जिसको हम दूसरा नाम बोलते हैं नर्व एंडिंग। नर्व एंडिंग पे क्या होगा? यहां पे आपका सेकंड न्यूरॉन तैयार होगा ताकि वो इंफॉर्मेशन ले ले और नेक्स्ट न्यूरॉन से पहुंचा दे, और ये पास ऑन करते करते आपके ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक इंफॉर्मेशन पहुंचा देते। तो इस तरह से काम करता है, यहां पे सेंसरी ऑर्गन से इंफॉर्मेशन लेके डेंड्राइट सेल बॉडी तक पहुंचाता है, सेल बॉडी एक्सोन से होते हुए इंफॉर्मेशन को नर्व एंडिंग तक पहुंचा देती है। और नर्व एंडिंग में यहाँ पे क्या होता है? सिनेप्टिक गैप होता है। ठीक है, दो न्यूरॉन के बीच में सिनेप्टिक गैप, वहां पे जो इंफॉर्मेशन है वो केमिकली मेथड के थ्रू दूसरे न्यूरॉन में, जो नर्व एंड जो यहाँ पे डेंड्राइट्स होंगे दूसरे न्यूरॉन के, वो ग्रैब कर लेंगे और इसको नेक्स्ट न्यूरॉन तक पहुंचा देंगे। तो इस तरह से आपका जो स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का ये कंप्लीट हो जाता है, इसके जो पर्टिकुलर पार्ट्स हैं इसके फंक्शंस भी कंप्लीट हो जाते हैं। और एज सच अगर आप न्यूरॉन का फंक्शन पूछोगे तो इसके फंक्शन को हम बता सकते हैं कि इट ट्रांसफर द स्टिमुलस फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन टू योर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। बस इतना सा,
कि सेंसरी ऑर्गन से जो स्टिमुलस जो इन्फॉर्मेशन है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाती है, और वहाँ जब वो इंटरप्रेट कर लेते हैं वो सो मोटर न्यूरॉन से होते हुए वो वापस के सेंसरी ऑर्गन तक आ जाते हैं, ताकि जो बॉडी पार्ट्स है वो फंक्शन रिस्पॉन्स शो कर सकें। सो दिस इज ऑल अबाउट द नर्व न्यूरॉन सेल। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा।